दृष्टि में उपादेय हो गई है और ध्रुव भगवान हे हो गया है। सुनो, ध्रुव भगवान के सामने मैंने इसके लिए दृष्टांत दिए जैन सिद्धांत प्रवेश का में, जब चक्रवर्ती से शादी होए तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी थोड़े से जीरे दे देना, जीरे छोक लगा हुआ माटे मर गई। अरे तू पटरानी होने लायक नहीं है, तेरे चक्रवर्ती से शादी हो रही, तू नहीं समझती चक्रवर्ती किसे कहते हैं, जो तुझे रत्नों के गहने दे सकता है वो जीरा नहीं दे सकता, क्यों जो तुझे मुक्ति दे सकता है, जो ध्रुव स्वभाव तेरे अनंत काल का सुख दे सकता है, अनंत चतुष्टय दे सकता है, वो एक समय की सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं दे सकता है। तुमने क्या ध्रुव स्वभाव जाना, काय का तुमने गायक जाना, क्या तुम्हारा ध्रुव स्वभाव का निर्णय है? फिर से पढ़ा स्वामी जी, इसलिए ऐसा नहीं, स्वामी जी के सामने भी लोग आते थे ऐसे, तो फिर वो प्रवचन बड़ी करुणा करते थे, वो ऐसे कहते भैया झीणू अभ्यास चाहिए। अब झीणू क्यों कह दिया उसको, इसलिए कहा कि तुम समझते ही नहीं हो, फिर वही पर्याय के नाम पे आ गए। समझ आया, थोड़ा गहरा अभ्यास करा, अरे गजब हो गया। ए मैं आत्मा अजर अमर हूँ, अब इसमें शंका नहीं रही और कांछा भी नहीं रही, अमर होने की कांछा नहीं रही, मरने का भय नहीं रहा, वो पहले ही चल गई चर्चा। अभी ये कहते हैं क्यों, तो अमर होने के लिए कौन सी दवाई खाएं? नहीं नहीं वो एक आता है, कोई नाम क्या है, एक तो संजीवनी हो रही को नाम है कोई बढ़िया, क्या नाम है भूल रहे, देखो मृत्युंजय हाँ क्या गजब, मृत्यु को जय करने वाली दवाई, एक मृत्युंजय मंत्र आता है नहीं, महामंत्र। और जैनाभास, अब जैनाभास ही कह रहा हूँ समझ लेने हैं, तो जैन ही जैसे क्या कहना आजकल बड़ा चल रहा, काल सर्प योग हे भगवान क्या हुआ, सच में कितना घोर पाप का मिथ्यात का उदय होने जिसको ये सब लगे कि न वो क्या काल सर्प योग, नहीं ऐसा न वैसा, हे भगवान अरे यहाँ तो एक परमाणु मात्र की कामना नहीं है, अरे परमाणु तो बहुत दूर की चीज है, यहाँ तो एक पर्याय की कामना नहीं है, मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा। क्या गजब, उच्च कोटि का मार्ग मिल गया अपने को, उच्च कोटि का एक चिंतन मिल गया, दृष्टि मिल गई, अद्भुत बात है। अब तो रीझ हो, कौन सा मार्ग है, ए कौन सा मार्ग है, कौन सा मार्ग है भैया बोलो, दो चार छह बार पढ़ा चुके हूँ, रीझने का मार्ग है, रिझाने का मार्ग नहीं है, रिझाने का मार्ग नहीं है, रीझने का मार्ग है, मुदित था मुदित था। आए समझ में आया, सम्यक दर्शन की भी कांछा नहीं है, मुक्ति की भी कांछा नहीं है, वो तो होना ही होना है। जैसे कोई मुक्ति, स्वामी जी कहते थे ना 47 शक्ति के प्रवचन बहुत कहते थे, जो कोई मुक्ति को पढ़ने जाते हैं, पढ़ने करने जाते हैं मुक्ति को मोक्ष को, तो एम ने दहेज मड़वानी जाहिरात करे छे, अनंत शुद्ध पर्याय माने अनंत शुद्ध पर्याय माने दहेज नी जाहिरात, समझ आया, अरे रे गजब बात है ये, देख तेरे एक पे एक पर्याय में कैसी उछलेगा आनंद, देख कामना नहीं करना है, कामना नहीं करना, और करेगा ही नहीं, ईमानदारी की बात है, कामना करेगा ही नहीं। शुरुआत में दृष्टांत दिया, दूध में से खारेपन की तो कामना नहीं करते, कड़वापन की कामना तो नहीं करते, लेकिन मिठास की भी कामना क्यों, तो कोई कह सकता है तब तो दूध में शक्कर क्यों डालते हैं, कामना से तो डालते हैं, झूठी बात है, ईमानदारी से बताओ, विकल्प तक नहीं करते कामना का, क्यों ऐसा डालते हो कभी शक्कर, ये भगवान दूध मीठा हो जाए, दिल धड़क रहा है, शक्कर तो डाल दी लेकिन हम दूध मीठा हो जाए, ऐसे करते हैं, कोई कामना नहीं है, मैं डाली और बातें भी करते जा रहे सारा काम देखो सारा दिमाग जाने कहाँ कहाँ काम कर लेता है पूरा। आपको बिजनेस में जाना है, बिजनेस में और दूध पीना है, तो दूध पीते समय पूरी बिजनेस की पिक्चर चलती है, एक बार भी ये विकल्प तक नहीं आता कि दूध में शक्कर है, बस मीठा है, निर्विकल्प भाव से पीते चले जाओ, तो क्यों आज तुमने इसमें शक्कर डाली है क्या, मैंने मीठो लागे छे ऐसा मूरख है कोई, अरे मिठास की भी कामना नहीं होती, क्या गजब बात है। ऐसे ध्रुव स्वभाव को जानने के बाद अन्य कामना तो नहीं होती, थोड़े टॉप गियर से गाड़ी चली गई, लोअर गियर में आएगी, अब थोड़ी सी लोअर गियर में आएगी, देखो थोड़ा, तो फिर पंडित जी भोजन करने की अभिलाषा, कमाने की अभिलाषा नहीं होती, होती है,
लेकिन उसे अभिलाषा नहीं होती, क्योंकि उनका कनेक्शन वो आत्मा से नहीं मानता, इसलिए दर्शन मोह संबंधी अभिलाषा नहीं होती। मिथ्या दृष्टि को ऐसा लगता है, अरे रे, जैसे दिया था दृष्टांत, शराबी को लगता है शराब के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सिद्ध करो भैया, सिद्ध करो, प्रूफ प्रूफ दैट कि शराब के बिना जिंदा नहीं रह सकता, बोलो। अरे तू शराब के बिना ही जिंदा रह सकता है, कैसे बात? ऐसे ही आत्मा विवाह के बिना ही अनंत काल रह सकता है, घर गृहस्थी के बिना रह सकता है, शरीर के बिना रह नहीं सकता है, रहता है कैसे? ए क्यों, चश्मा के बिना काम नहीं चलता ना, नहीं चलता ना? अरे किसका, पहले ये बोलो किसका? ऐसा बाइफर्केशन करना चाहिए थोड़ा सा, भेद विज्ञान में ना बाइफर्केशन करो आप। चश्मे के बिना आंख का काम नहीं चलता होगा, लेकिन आत्मा तो चश्मे के बिना ही अनादि से था है। तीन लोग की, अब तीन लोग में मुझे अब कोई चीज की जरूरत नहीं होती। ये दर्शन मोह संबंधी बात हुई, बाद में यही चारित मोह भी टालेगा, यही दृष्टि भेद विज्ञान चारित मोह टालेगा। जब जरूरत नहीं है तो जरूरत क्या, क्यों? मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, देखा समझ लो, कोई आलू खाता है, आलू समझते हैं, बटाटा बोलते है ना, अच्छा ठीक, तो आलू खाता है, तो अपन ने उससे कहा देखो एक काम करो, तुम 24 घंटे में 10 घंटे का त्याग कर दो और 14 घंटा खाने का रखो, तो उसे बड़ा सरल लगेगा एकदम, ये तो बहुत अच्छा है, 14 घंटा खा सकते हैं और 10 घंटे का त्याग करना है, तो एकदम जल्दी से वो लिख देगा, यस लिख दिया। अब देखो अपने आप बुद्धि उसकी कहाँ दौड़ने लगी, अपन तो 14 घंटा भी कहाँ खाती बोलो, कहाँ खाती, रात को 10 घंटा था, 8 घंटा तो सोने में गया, और बाकी सुबह से तो खाती नहीं कुछ। अरे अपन तो बेकार में 14 घंटे का ही पाप क्यों करो, तो एक काम करती है, अपन 14 घंटा त्याग 10 घंटा खाने का रखते हैं, कोई बात नहीं, मन धीरे धीरे हिम्मत आती जा रही है। ये पंचम गुण स्थान ये दृष्टान्त हो, नहीं तो पंचम मान लो फिर उसको ऐसा लगता है इसकी भी क्या जरूरत है, 10 घंटा भी कहाँ खाती हैं अपन, ज्यादा से ज्यादा अपन सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, ज्यादा होगा कोई मैक्सिमम बिगड़ा हुआ लड़का होगा तो 1 घंटा सड़क पे खाएगा, 1 घंटा। अब उसने सोचा अपन एक काम करती हैं, 3 घंटा खाने का रखते हैं और 21 घंटे का त्याग करते हैं, देखो उसकी हिम्मत बढ़ गई, देखो ये देखो उसका पंचमूण स्थान बढ़ता जा रहा है, दृष्टांत दे रहे हैं समझाने के लिए। फिर उसने सोचा अपन 3 घंटा भी कहाँ खाती, खाते समय कितना मिनट लगते हैं, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, और मार्केट में भी खाया भी तो 10 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा कहाँ खाती। तो उसने क्या करा, 23.5 घंटे का त्याग कर दिया। अब उसने 10 मिनट 3 बार का रख लिया, देखो देखो ऐसे उसकी आसक्ति घटती गई, क्यों बताना है। फिर उसको लगता है कि अपन डेली कहाँ खाते हैं, कभी कभी खाते हैं ना, तो एक काम करेंगे अपन महीने में मुश्किल से 200 मिनट खाएंगे बस, उसका हम टोटल काउंट कर लेंगे 200 मिनट का, बाकी घंटे और मिनट का क्या होगा, त्याग। अब ऐसे करते करते उसे 5 साल हो गए, 5 साल में वो महीने में बस 200 मिनट खाता था, गिन लेता था और लिख लेता था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, अरे यार छोड़ो नहीं आप, कहाँ गिनती लगाते रहते हैं रोज मुनि दशा आ गई बस ये तो दृष्टांत है भैया, नहीं तो कोई हमारा दुरुपयोग कर डाले असल में क्या है दृष्टांत बताना है ना, अप्रभावी अनुभव करता है, लेकिन फिर भी लगता है ना है, कमाऊंगा मैं तो कमाऊंगा। अच्छा कमाओ, कितना कमाओगे, तो परिग्रह परिमाण कर लिया उसने, कर लिए ना, अब इतना कमाना बस जाओ कोई बात नहीं, फिर सो इतना भी कहाँ कमा पाती है। तो ठीक है अपन एक काम करें, 1 महीने में अपन 5 लाख की लिमिट रखते हैं, फिर वो देखते हैं 5 लाख की अपन भोग कहाँ पाती, अब छोकरा छोकरी हो तो छुट्टी करो, अपने कहीं मतलब नहीं, अपने तो बस 10 लाख 50 लाख रखना बस छुट्टी। अब उसे देखो ये पंचमूण स्थान बढ़ता जा रहा है उसका, ये बढ़ता जा रहा है वो, क्योंकि अंदर अंदर उसकी अनाशक्ति बढ़ती जा रही, लेकिन काय के बल पर बढ़ी, पहले दर्शन मोह छूटा, दर्शन मोह क्या छूटा, पैसा में आत्मा न सुख नथी, पैसा में मेरा कोई सुख नहीं है भैया, आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी देखो जो चढ़ती है ना, जैसे मैं अभी आपसे कहूँ अभी छोड़ो
नहीं छोड़ सकते, लेकिन अंदर अंदर धीरे धीरे छूटता है। फिर क्या हुआ एक दिन, अरे रे मैं 5-10 लाख रुपए के चक्कर में भी परेशान हूँ, परेशान हूँ। ऐसा नहीं मुझे भी उपदेश नहीं मिला, जब नौकरी करने के पहले मुझे भी उपदेश मिला, सब छोड़ो छाड़ो, काहे की नौकरी करना, काहे का पैसा करना। लेकिन नहीं, मुझे चढ़ती थी ना खुमारी, अपना पैसा होना चाहिए, कल समाज के भरोसे नहीं रहना पड़े, अपना पैसा होना चाहिए। तो हमारे पूजनीय पंडित साहब ने बहुत कहा कि जरूरत ही नहीं पड़ती मोक्ष मार्ग में, हमें लगता था वाह फिर कोई नहीं पूछेगा तब। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने आखिर कमाया, और सच्ची बात है उनकी बात आज तक सांची है, आज तक एक पैसा काम नहीं आया, वो 1 लाख के 6 लाख हो गई, अभी भी छूट नहीं रहा वो, अभी भी हिसाब देखता हूँ पासबुक। तेरह % मिलता था MIS में, घट के 8% आ गया, तो ऐसा हो गया बेफिजूल, मुझे उसमें से एक पैसा नहीं भोगा, और अभी भोगना भी नहीं है, भोगूंगा भी नहीं। और लेकिन एक एक लगता है, नहीं नहीं कोई ब्रह्मचारी भाई बहन को दे के मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा, देखा कोई कोई आत्मकल्याण करने वाला होगा उसकी स्थिरता के लिए करूंगा। अरे तू ही स्थिर हो जा, दूसरे की स्थिरता करने के चक्कर क्या है। अरे वो देखो कोई भी संयोग से स्थिर नहीं होता, सब स्वभाव से स्थिर होते हैं, और स्वभाव के भान बिना कोई स्थिर नहीं होता। अपन बेकार अभी भी वो, लेकिन अभी भी नहीं छूट रहा, इतना मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी नहीं छूट रहा है वो, आएगा जिस दिन छूटेगा उस दिन मुनि दशा आ जाएगी। गजब बात है ये दृष्टांत, बहुत सुगम मार्ग है। पहले नंबर है जान, पैसा में सुख नहीं है, और ये छोटी मोटी क्रांति नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है रोज की रोज वही चर्चा वही चर्चा, चर्चा से क्या हो जाएगा, अरे चर्चा के बिना काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पहले तेरे इतनी बुद्धि टूट जाएगी, पर में सुख नहीं है, बस तू ना अमर हो गया, बस दर्शन मोह टूट गया। इसलिए फिर परिग्रह परिमाण की बात आई, एक मर्यादा करो, कितनी बार खाओगे, 10 बार लिख लो। इसलिए जो पर्चा कल बांटा था ना बच्चों को, वो इसीलिए बांटा था, तुम तो अपनी सुविधा से लिखो, अपनी सुविधा से लिखो कितना खाना है, कब खाना है, क्या करना है, कोई मम्मी पापा उन्हें मत बोलो। 1 घंटा टीवी देखना, 10 घंटा लिख लो बेटा, वो फिर बाद में खुद ही सोचना शुरू करेगा, 10 घंटा देखते तो है नहीं, 10 घंटे का पाप क्यों करें, घटाता जाएगा उसको बस। फिर हमने उन्हें बता दिया, हमने पूछा बच्चों से कितने घंटा टीवी देखोगे, बोले 1 घंटा, मैंने बिल्कुल झूठ। क्रिकेट मैच देखोगे कि नहीं देखोगे, यहाँ तो 8 घंटा देखोगे कि नहीं देखोगे, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं, 10 घंटा लिखो, 10 घंटा, 10 घंटा पर डे नियम लेना बड़ा छोटा और पालना बड़ा, अब अपने आप ही घटाएगा, हमें कुछ नहीं कहने की जरूरत। आए समझ आया कि नहीं आया, अरे गजब बात, ऐसे यहाँ समझो, पहले पर मैं सुख बुद्धि टूटना, ये अनंत पुरुषार्थ है, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ नहीं है, अनंत पुरुषार्थ। सम्यक दर्शन की भी कांक्षा नहीं और विषय भोगों की कांक्षा भी नहीं, क्यों नहीं कांक्षा, क्योंकि मुझे भोगता नहीं उन्हें, अभोक्ता स्वरूप होने। थोड़ा समय मिले तो अभोक्ता स्वरूप की माला फेरो, लिखी है मागनंदी स्वामी ने, 108 सूत्र नहीं है, ध्यान सूत्र, ध्यान सूत्राणी है नी, और उसमें लिखा है अभोक्ता स्वरूप हूँ। ऐसे एक्चुअली करते क्या है, अपन ने उसका मर्म नहीं विचार किया, मन विचार नहीं करा, यदि पढ़ भी लें अभोक्ता स्वरूप, 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 थी गई मूरा कहते थे। अरे अभोक्ता स्वरूप की माला फेर का मतलब यह है, एक बार भगवान गायक का स्मरण कर, कहाँ तो मैं अभोक्ता गायक हूँ, खाता पीता भी नहीं हूँ, आज तक खाया भी नहीं है, खाऊंगा भी नहीं, फिर भी क्या करें, चारित मोह के उदय में क्षुधा बेदनी का उदय है, और यहाँ पे वीर्यांतराय है, चौपसम है वीर्यांतराय का, सामर्थ्य नहीं उतनी पचाने मैंने क्या भूखा रहने की, और यहाँ एक जठराग्नि उपजेच है, कहीं बात नहीं लेंगे, लेकिन अभोक्ता स्वरूप का ध्यान भानपूर्वक अब करो भोजन, इसका नाम है अभोक्ता स्वरूप की माला पहरो। कितना भोगोगे, एक वाक्य लिखा है ना कहीं, भोगने की शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है, भोगवानी आसक्ति अने शक्ति कितनी है, क्यों गजब बात है। ऐसे अभोक्ता स्वरूप का विचार कर, फिर मालूम क्या होगा, यदि आप रोज भोजन के पहले कपड़ा पहनने पहले ऐसे हर जगह करो अभोक्ता स्वरूप, इसमें आपको अपने आप विशुद्धि नहीं बढ़े तो कह देना, और अपने आप भेद विज्ञान नहीं बढ़े तो कह देना, और फिर ना तुम्हारा अंतर्मुक्ता हो तो कह देना,
थोड़े दिन नहीं होगा, थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा, धीरज, ऐसे नहीं एकदम आज बोला पंडित जी हमने बोला था कुछ हुआ ही नहीं। तुम तो ऐसे कह रहे हो एक किलो प्याज खाई और एक जरा सी इलायची खाई, पंडित जी डकार तो इलायची की आई नहीं है तो तेने एक किलो क्या खाया कांदा खाए तो कांदा समझ आया कि नहीं आया? ऐसे तेरे भैया इतना पहले पढ़ा है, ऐसे धीरे धीरे काम। अभोक्ता स्वरूप का स्मरण कर, अभोक्ता भगवान बोल, अभोक्ता है कि नहीं है, अभी भी भोगेगा कि नहीं भोगेगा, अभी भी नहीं भोगेगा सही ना। तो मैं भोगने के चक्कर में जितनी ग्रद्धता करूंगा, राग करूंगा, द्वेष करूंगा, टेंशन करूंगा, उससे कर्मबंध किसको होगा, मेरे के होगा। भगवान कर्मबंध माने भगवान से दूर, अपनी प्रभुता से दूर, अपनी विभुता से दूर, अपने आनंद से दूर। सुनो भैया एक दिन अपने आप ऐसा मन करेगा, अपन तो शांति से खाएंगे भैया, देना हो तो दे देना, नहीं देना मत देना, अपन झगड़ा नहीं करेंगे, तुमको जैसे प्रश्न परस दो। देख अपने आप नहीं आ जाए तो कह देना पंचम गुण स्थान, अपने आप क्यों आसक्ति तो पहले ही नहीं थी, जो तेरा खाने पीने का राग रह गया था वो अब कम होने लगा। पहले खाने पीने के लिए झगड़ पड़ता था, अब खाने पीने के लिए झगड़ते नहीं, अब शांति से खाती। फिर इतना भेद, फिर ऐसा होने लगा, झगड़ते तो नहीं है लेकिन नमक नहीं हो तो नमक मांगेंगे, शक्कर नहीं हो तो शक्कर मांग लेंगे। थोड़े दिन बाद ऐसे भेद ज्ञान करते 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 जब आत्मा खाते ही नहीं तो खा तो लो चुपचाप, काय के लिए नमक मांगना। मैं तो ज्ञायक हूँ ना, ज्ञायक का ज्ञायक हूँ कि नमक का ज्ञायक हूँ। देखो ऐसे भेद विज्ञान बढ़ता जाएगा, एक दिन ऐसा लगे अब आपकी प्रभुता बढ़ गई, आपको पता है आपकी प्रभुता बढ़ी पता है। कल्पना करो आज मैं आपके यहाँ भोजन करने जाऊँ और पहले ही बोल दूँ भाई वो लड्डू बना ना और दो लड्डू से कम नहीं रखना, बोलो प्रभुता गिरी की बड़ी। मैं आपसे कुछ कहूँ ए नमक नहीं डाला, क्यों दाल में नमक नहीं डाल सकते, तो मेरी प्रभुता गिरी की बड़ी, बोला दृष्टांत है ना। ऐसे आपको खबर नहीं है अभोक्ता स्वरूप का वेदन करते करते प्रभुता बढ़ते 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 मुनि दशा में पूर्णता बढ़ती जाती है और एक दिन परिपूर्ण प्रभुता प्रकट हो जाती है। बोलो कितना सरल दृष्टांत है। लड़कों के समूह में मर्द बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। मर्द बनने की ट्रेनिंग क्या है, पत्नी के सामने अकड़ के रहना, बात बात पे फूं फां करना, ऐसे करना, तो वो ट्रेंड हो जाता है लड़का। दृष्टांत झूठा भी हो सकता है मुझे मालूम नहीं, अपने का तो दृष्टांत से काम है। शादी हुई तुमने कपड़े क्यों नहीं धोए, ऐसे धोए जाते हैं, पहन लियो चला गया। सही बता ना, उसकी जो महिमा थी पत्नी की नज़र में वो गिरती है कि बढ़ती है। अब दूसरा दृष्टांत करना, कपड़े मैले हुए कोई बात नहीं दूसरे दे दो, शांति से धो लेना कोई बात नहीं, अच्छा जेब नहीं चलो मेले ही पहन लेंगे कोई बात, यहीं तक तो जाना है कोई दिक्कत। मन इतनी नॉर्मल टेम्परेचर वाला आदमी बताना, पत्नी की नज़र में पति की प्रभुता रहती है कि नहीं रहती है। अब वो कभी नाराज भी हो जाए ना तो उसे वो गौण कर देगी, अब कर देगी गौण ऑटोमेटिक, क्यों उसने इतनी प्रभुता का वेदन किया है कि वो जिस दिन गुस्सा हो जाए नहीं बोले रूठ जाए तो किसी से नहीं कहती, वो कोई को फोन नहीं करती, वो किसी को नहीं बताती कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, क्यों वो प्रभुता के बल पर। ये दृष्टांत मेरा, ये दृष्टांत ऐसे ही जिसने पर्याय पर्याय में प्रभुता का वेदन किया होए और कभी उसको चारित मोह के उदय में 96 रानी का योग भी बन जाए तो भी सारी दुनिया उसकी प्रभुता के गीत गाती है, वो एक समय का वेदन उसका कोई नहीं कहता काई नहीं काई नहीं। क्या कह रहे हो 96 रानी का योग बना तो भी काई नहीं, 6 खंड का भोग करे तो भी कोई बात नहीं क्या गजब। अच्छा भाई समझ आया दृष्टांत बेटा, समझ आता है, इसलिए हम कह रहे हैं अभोक्ता स्वरूप का वेदन करा। कल एक प्रश्न आया था, अब बोल रहा हूँ उसको, उसका उत्तर खोल रहा हूँ, इसमें लिखा है सब, मेरी गंदी आदत है लेक्चर देने की, मैं चाहता हूँ आप पढ़ के आओ तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि इस समय मैं कहाँ चल रहा हूँ। एक बहुत मार्मिक चिंतन चला कल यहाँ से जाने के बाद, जो बच्चे ने प्रश्न पूछा कि हमें अभी तक विश्वास सा नहीं आ रहा, विश्वास नहीं आ रहा कि 96,000 रानियों पढ़नेगा तो बिना कांचा के पढ़नम जाएगा, शादी कर लेगा, इतना बड़ा तूफान मेल का काम होता है, वो बारात जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, नाटक होगा, फिर कितने नाटक होते हैं बोलो। और आप कह रहे हो वो कांचा ही नहीं, बिना कांचा के इतना काम हो सकता है। तो जिनवाणी में 4 प्रकार की निर्जरा है, निर्जरा दिखा चल रहे, तो 4 प्रकार की निर्जरा है। एक निर्जरा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ,
हाँ चलो बोल सकाम अकाम हुआ सभी पाक अभिपा वेरी गुड सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा सभी पाक निर्जरा और अभिपाक निर्जरा निर्जरा तो बता ही चुके हैं आपको सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा माने मन मार के भूखे रह गए, मन मार के शांत रह गए, मन मार के भी भुगत लिया, इसका नाम है अकाम निर्जरा। निर्जरा तो हुई लेकिन कोई मतलब नहीं है। और वेद विज्ञान पूर्वक करे तो सकाम निर्जरा, जैसे दिन भर भोजन नहीं मिला तो खाया भी नहीं लेकिन वेद विज्ञान भी नहीं किया, अब नहीं मिलने तो मर थोड़ी जाएंगे, बैठे अपने आराम। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आकाम को सकाम में बदलो नहीं, जरा से वेद विज्ञान कर लो। मैं अभोक्ता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ये कर्म का उदय है, हुए तो हुए, ना मिले तो ना मिले, मैं भोजन के बिना आहा अजर अमर तत्व हूँ, करो वेद विज्ञान। समझाई छे कहीं समझ आया कि नहीं? आकाम को कहीं बदल दो, सकाम बदल दे। एक बात तो ये हुई, अब दूसरी एक अभिपाक निर्जरा और एक सही पाक निर्जरा। ज्ञानी को चारों होती हो, ध्यान रखना, ज्ञानी को भी चारों होती है, मैंने घबराना नहीं, तुमको नहीं हो पाए तो चारों होती, ज्ञानी को भी चारों होती है। अब देखो एक अभिपाक निर्जरा एक सही पाक निर्जरा। अभिपाक निर्जरा तो उसको कहते हैं जब कर्म फल दे के न जाए और ऐसे ही खिर जाए। अभिपाक माने पके ही नहीं, वो माने फल दिया ही नहीं उसने और वैसे ही निर्जरा को प्राप्त हो गया। समीर भाई समझ में आता है? बिना ही फल दिए खिर गया। और अब सबसे खतरनाक है सही पाक, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं सही पाक में। सम्यक दृष्टि हो, चक्रवर्ती हो, उसको सही पाक निर्जरा का अनादि अनंत नियम है कि वो 96,000 शादी होगी ही, ऐसा ही है उसके पुण्य का फल ही इस जाति का है कि वो अविपाक नहीं हो सकता, वो अविपाक नहीं हो सकता, मैंने बिना ही फल दिए खिर जाए। आप सोचे नहीं, जो शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ, इनको आप नहीं, पूरे तीर्थंकर आकर के साक्षात, यदि उन्हें ट्रेंड करें ट्रेंड अमस सोचे क्या शादी में क्या पड़ी है, अनंतकार हुआ, ऐसा हुआ, पशुओं जैसी लीला है, कहीं नहीं तुम चाय इतना हवा भरा वो तो कहना है गजब। देखो अब कोई यदि ऐसा दृश्य देखे देखे कांचा नहीं है, हम तो कह रहे मिथ्या दृष्टि है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मिथ्या दृष्टि नहीं मान लेना। तुम्हारे अनुसार यदि कोई त्वरित नहीं बदल जाता, तुम्हारे अनुसार कोई त्वरित परिणमन नहीं करता धर्म के रूप की घर परिवार के रूप, आपने टेंशन काहे की है, हमने 25 बार समझाया लेकिन ये समझती नहीं है, ये समझता नहीं है, ऐसा नहीं करता, बिल्कुल हमें तो समझ में आती है जी हमारी बिल्कुल जान की। अरे रुक जा, हम तो कह रहे वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, तुम कह रहे जान की दुश्मन है क्या? जिस जीव को जिस रीति से सही पाक निर्जरा होना हो उसी रीति से होगी, तुम्हारे कहने से नहीं होगी। और इसीलिए एक भी माँ बाप अपने बच्चों से सेटिस्फाई नहीं है, एक भी पति अपनी पत्नी से सेटिस्फाई नहीं है, क्यों? कि वो अपने सही पाक निर्जरा के अनुसार चले कि तुम्हारी निर्जरा के अनुसार चले, पॉइंट पकड़ना ना, वो तुम्हारे अनुसार चले कि अपने अनुसार चले, बोलो समझ में पॉइंट, समझ में भी है। सही पाक निर्जरा माने वो फल देगा उसी विधि से देगा, माने सारे भगवान केवली मिलकर के भी उनको नहीं समझा सकते, कौन को? भरत बाहुबली की सही पाक निर्जरा थी वो वो जो चला था, जो उसे रोकने में आदिनाथ भगवान ने विकल्प नहीं किया। माने मैंने कई बार दृष्टांत दिया है, यदि अपन दीक्षा लेंगे तो क्या करोगे अनिल भाई? सबसे पहला करो कि अपने पूरे जीवन का अनुभव का निचोड़ अपने बच्चों को समझाएंगे, देखो बेटा अपन मिलजुल के रहना ऐसे करना, ऐसे तो करेंगे और क्या करेंगे, संपत्ति ठीक से संभालना बेटा, अब हम जा रहे हैं, कहेंगे आदिनाथ भगवान ने भी दीक्षा ली थी ना, तो तीन ज्ञान थे, तो अवधि ज्ञान में देख सकते थे, एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट नहीं करते अपन, जब अपने पूरे जीवन का अनुभव झोंक देते हैं बच्चों को सिखाने में, तो वे भी एक अवधि ज्ञान लगा लेते, उनके पास तो इंटेलिजेंस ही थी। अरे भरत बाहुबली में चक्र चलेगा, मैं तीर्थंकर, ऐसा करेंगे, तो दोनों को बुलाएं, देखो बेटा
बहुत साधारण सी बात है, चक्रवर्ती अखंड विजेता होता है। बाहुबली तुम छोटे हो, बड़े भैया की आज्ञा मान, उनके अधीन रहना, ऐसे करना, झगड़ा करके अपनी जांग नहीं उगाड़ना, झगड़ा करके सड़क छाप मत हो जाना। लोग क्या कहेंगे, तीर्थंकर की संतान देखो, देखो बेटा, नहीं तो हमें बहुत दुख होगा। तो ऐसा नहीं करना। लेकिन ध्यान से सुनना, जो मार्मिक बंधु बता रहा हूं, आदिनाथ भगवान जानते हैं कि सहीपाक निजरा बदलने का कोई उपाय नहीं, इसलिए उन्होंने अपने अवधि ज्ञान को लगा करके नहीं देखा। और नहीं तो ऐसी बात नहीं थी कि बाहुबली क्यों नहीं मानते आदिनाथ की, नहीं मानते, सारी जिंदगी आज्ञा मानी थी, इतनी सी बात नहीं मानेंगे कि ठीक है पापा पिताजी। मैं छोटा भाई, वो बड़ा भाई, तो मैं पांव छू लूंगा, मेरे क्या दिक्कत है, क्यों निपटाया नहीं जा सकता था ये मामला। तुम्हें क्या लगता है, ईमानदारी से बताओ, इधर से नहीं बोलो, तुम्हें क्या लगता है मामला निपटाया नहीं जा सकता था। ये मिथ्या निपटाया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि सहीपाक निजरा बदलने में तीर्थंकर भी, क्या गजब ये सिद्धांत कहाँ सुनने मिले बताओ। इतना आनंद आया कल दिन भर सहीपाक निजरा का, बहुत आनंद आया। अब सारी दुनिया तो शंका कर रही है कहीं और, हमें मालूम वो सहीपाक निजरा है, इसलिए उसका छायिक सम्यक तो सुरक्षित है, उसको किंचित मात्र भी अनंतानुबंधी का बंद नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। अरे ये तो जैन शासन सिवाय कहीं मिले नहीं ये बात। एक भिखारी और तीन लोक के परिग्रह का पाप भोगता है, बंद करता है, बंद करता है, और एक चक्रवर्ती छह खंड की विभूति पाने पर भी जलते भिन्न कमल है। अब कौन विश्वास करेगी जलते भिन्न कमल है। हाँ आप कह रहे हो, मजा तो ले रहा है, हम तो देख रहे थे, वो हंस रहा था। माने लोगों को क्या लगता है, जैसे मैं कल्पना करूं, यदि उदासीनता से लड्डू खाऊं नहीं तो सब मेरी भक्ति करेंगी, जय हो पंडित जी, गजब हो गया, कोई चेहरे पर रिएक्शन नहीं, कैसी शांति थी जमे छे। अब कल्पना करो मैं ऐसे खाऊं लड्डू, तो बहुत बढ़िया है, और तो तुमको ऐसा लगे ये सम्यक दृष्टि हो सके। आनी सकल जो ए वो था क्या। अरे लेकिन भैया तुम्हें खबर ही नहीं है, सहीपाक निजरा में यदि हंस के खाने का योग होगा तो हंस के भी खाएगा वो, और सहीपाक में यदि रो रो के खाना होगा तो रो रो के खाएगा। लेकिन रो के खाए कि हंस के खाए, सम्यक दर्शन से उसका कोई संबंध कैसे संबंध है बेटा, कैसे संबंध है, सहीपाक निजरा से संबंध है। आगे समझ आया कि नहीं आया, शंका नहीं। अब तक इसलिए कहता हूँ वास्तव में, जब तक आप निजरा का स्वरूप नहीं पढ़ो, चार प्रकार की निजरा का स्वरूप क्या है, अपन भी क्या है, सच्ची बताऊं आपको 90% को मैं अभी फेल कर दूं यहीं, यदि जरा चर्चा करें ना खोल के। हाँ बात तो हमें भी लगती थी, ऐसा लगने लगेगा आप, ऐसे कैसे सम्यक दर्शन हो जाए, बात तो हमें भी लगती थी। मैंने अंदर अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ होश ही नहीं रखते, ये सोचते हाँ हो जाता, हाथ जोड़ लो अपन तो बस खत्म, हाथ मत जोड़ो, पूर्ण तपास करो, इसका नाम स्वाध्याय। जिनवाणी अच्छे से पढ़ा सोचो, और नहीं तो फिर हर किसी को जल्दी मिथ्या दृष्टि का सर्टिफिकेट मत दो, जरा से किसी का देख कर स्वच्छता मत कह दो किसी को, वस्तु स्वरूप विचार करो। अरे अरे तुम्हें क्या मालूम है, क्या एक मरीज 10 साल तक दवाई खा रहा है और कान छा बिल्कुल नहीं, उसे हो सकता है 10 साल दवाई खानी पड़ी डॉक्टर के कहने से और कान छा बिल्कुल नहीं, और ऐसे कह रहा है जल्दी टाइम हो गया दवाई लाओ, ये दवाई बड़ी मीठी है, बहुत मजा आता है, अच्छा लग रहा है, ये वाली अरे कड़वी दवाई, अरे बाप रे हुचकी आ रही मेरे, तो ऐसा भी कर रहा है। देखो मीठी दवाई देख करके प्रसन्न हो जाता है, कड़वी दवाई देख कर दुखी हो जाता है, टाइम से मंगाता है टाइम से लाओ, क्यों आपको लगता है वो निकांक्षित है, बोलो, अरे बोलो ना, निकांक्षित है, कैसे मालूम पड़ेगा बोलो, ये 10 साल दवाई खाने के बाद उसे ठीक होने के लक्षण प्रकट हुए, ठीक हो गया, तो अभी भी 10,000 की दवाई पड़ी है बाकी, वो मीठी वाली ज्यादा पड़ी है, कड़वी वाली तो 2-4 ही बची है, क्यों उसको क्या लगेगा, चलो अच्छा रहा कड़वी 2-4 बची, ऐसा लगेगा उसे,
और मीठी इतनी सारी बची है, चलो बंदा पी लेते हैं, बिल्कुल लगता है वो सिकंजी जैसी, क्या रसना क्या नाम आता है, हमें नाम नहीं मालूम, क्यों बड़ा टेस्टी जूस बन जाता है, ऐसा लगेगा उसको नहीं लगेगा, पड़ी रहेगी, भले ही वो फेंक नहीं पाए, ये चौथा गुण स्थान, फेंक नहीं पाए, फेंकते नहीं लोग, अभी भी दवाइयाँ पड़ी रहती हैं घर के कचरा में, फेंकता नहीं हो, क्यों कि अभी सम्यक दर्शन तो हो गया अभी पंचम गुण स्थान नहीं आया तो फेंकता नहीं है, तो सब पंचम गुण स्थान में क्या होगा, दृष्टांत हो नहीं तुम गड़बड़ करो, तो पंचम गुण स्थान में ये होता है कि ऐसी बुद्धि होती है, कभी डब्बा उठा के बैठ जाती, कोई काम आएगी कि नहीं आएगी, देखो कभी काम आ जाए रख लो, ये कभी काम नहीं, फेंक मैंने कुछ फेंक देता है कुछ रख लेता है, ये पंचम गुण स्थान, स्वस्थ होने के बाद भी हो स्वस्थ होने के बाद भी फिर जिस सोचता है शायद किसी के काम आ जाए, देखो इस नाम से भी रख लेता है, खाता नहीं है बिल्कुल स्वस्थ है फिर भी रख लेता है, फिर एक दिन ऐसा आता है अपन रखे रखे मरे जा रहे, 5 साल हुए रखे रखे फेंक दो, ठीक है जी मुनि दशा एग्जाम्पल है, नहीं तो अभी आप कह दो मुनि दशा आ गई मैं इसलिए कहता हूँ लोग हंसी उड़ाते हैं, ले देखो ऐसी ऐसी मोक्ष हो जाता है इनका, देखो इसलिए कह रहा हूँ दृष्टांत है भैया, समझ में आया, अरे अरे गजब बात है, सभी बाग निजरा किसका नाम, वो इसी तरह से खिलेगी फल दे करके जाएगी, लेकिन ज्ञानी जानते हैं मुझे सभी पाक निर्जरा के अनुसार प्रवृत्ति मन वचन काय की भी होगी, फिर से बोलो, मन वचन काय की प्रवृत्ति सभी पाक निर्जरा के अनुसार होगी, लेकिन कल का शब्द बोलो बेटी कौन को याद है, हाँ जोरदार, हाँ 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 क्या करो ना, हाँ और एक और बात और बोलो, इसके पहले एक बात और दी, कर्म होता ही नहीं है, स्वामित्व नहीं लीधे, अभाव अभाव नहीं लीधे, अभाव नहीं लीधे, स्वामित्व न स्वामित्व न अभाव नहीं लीधे, कर्म रस दईने खरी जाए छे, रस देके चला जाता है, पॉइंट पकड़ में, सही भाग निर्जरा मैंने जैसा मैं प्रवचन कर रहा हूँ ये सही भाग निर्जरा है, तो वचन भी ऐसे ही होगा, काया ऐसी होगी, मन में भी ऐसा होगा, ये सही भाग निर्जरा है, और आपको भी एक काम करो, आप कसम खाओ 1 घंटा तक से नहीं लाएंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, करो केवल आँख पलकने झपकने की छूट दे रहे, बोलो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सही भाग निर्जरा का काल आएगा, आप भूल ही जाओगे, जैसे ही मजा आया मजा आ गया हो ही जाएगा, मैंने वो अच्छा, अब आप सोचते रहो कि नहीं हिलाना नहीं हिलाना, वो हिलेगा ही, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मन वचन काय की प्रवृत्ति सही पाक निद्रा के अनुसार होती है, गायक के अनुसार नहीं होती, गायक की दृष्टि के अनुसार नहीं होती, इसलिए ज्ञानी तो इस बात जानते हैं, ज्ञानी तो इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए वो तो मजे मजा करते हैं, अज्ञानी तो देख देख के ही सोचता है मजे करे जाओ अब कौन जाने मजा कर रहे कि नहीं कर रही, समझ में आया, दृष्टांत देने का मन कर रहा है इसलिए थोड़ा विराम हो गया, एक बच्चा है ना, गरीब होते ना, थोड़ा सामान्य परिस्थिति होती है तो मौसम भी बहुत महंगी पड़ती, अब इतनी महंगी मौसम भी सबको तो नहीं दी जा सकती, बहुत महंगी पड़ती, तो एक बच्चा बीमार हुआ गरीब घर में, तो वहाँ से बाजार से 4 मौसम्बी लाई, उसका जूस निकाला उस बच्चे को देने लगी, तो दूसरा बच्चा उसको ऐसे देख रहा है, और वो बच्चा उसका मन ठीक नहीं है ना, जिब्बा ठीक नहीं है, तो हमें नहीं पीना हमें तो ऐसे, तो वो बच्चा सोच रहा कैसा मूर्ख है, इतना पुण्य का उदय आ रहा है मेरे जैसा होता होता कि नहीं होता है, बोलो होता है, नहीं ये बहुत दृष्टांत तीखा है, मैंने केवल हंसाने के लिए नहीं गए, आप अनंत जगह ऐसे फंस जाते हो, अभी वो बच्चा मौसमी का जूस पी रहा है, तो उसने कहा मम्मी थोड़ा सा जूस हमें भी, नहीं मम्मी थोड़ा सा हमें दे दे, नहीं उसे तो बुखार है उसको तो ताव है इसलिए दे रही, तो थोड़ी देर बाद बच्चा भोलेपन से पूछता है
मैंने ताव कवे आपसे क्या रे आपसे सुना है? मैंने नहीं सुना, बच्चों को सुना है? आप लोगों ने नहीं सुना? तो मैंने कैसे सुन लिया जी? खैर क्या रे आपसे? तो माँ ने पूछा क्यों बुखार लाने की क्या जरूरत है? मम्मी देखना, कई बार बच्चे से कहते मम्मी देखना मुझे बुखार है, नहीं तो मैंने ला मैंने उसको क्या दिख रहा है? मौसमी का जूस दिख रहा है। ये दृष्टांत हुआ। अब मम्मी यदि समझदार हो तो यहाँ वेद विज्ञान दे उसे, बेटा तू तो मौसमी ऐसी खा लेना, लेकिन बुखार की कामना 24 घंटे मत कर, बीमारी की कामना 24 घंटे मत कर, तुझे खबर नहीं है। फिर बाद में बुखार उतरेगा नहीं, जब पाप का उदय आएगा, असाता का उदय आएगा, तब बुखार चढ़ेगा और फिर तू मौसमी का जूस पी पी के परेशान होगा और भाएगा नहीं। पहले नंबर तो मैं ये दृष्टांत वो सम्यक दृष्टि के एंगल में दिया मैंने। मिथ्या दृष्टि ऐसी कामना करता है। मैंने एक से पूछा क्यों सम्यक दर्शन चाहिए? क्या हाँ नहीं क्यों? आप समझते नहीं पंडित जी, मिथ्या दृष्टि को एक शादी से ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा होता थोड़ी बहुत और हो जाती है। गजब देखो, मैंने उसे सम्यक दृष्टि की जीवन में भी कौन सी चीज़ दिखाई दे रही हो पंडित जी? वहां तो बिल्कुल छन में खुली छूट, छह खंड जे वो इज्जत आबरू। अरे रे तेरे स्वप्न में भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुझे कहाँ खबर पड़ेगी? मैंने तुझे मालूम है तू उस बच्चे की तरह है जो दूसरे का ताव ताव में जूस देख रहा है तू है? तेरी देखो ये करणानी समझा रहा हूँ, अब यहाँ से थोड़ा टर्न करके करणानी को बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको मालूम नहीं है आप दिन रात कितनी कामना कर करके निकांचे तंग का घात कर रहे हो। सम्यक दृष्टि को ये बात मालूम है, भूल के भी स्वप्न में नहीं सोचता मैं इन जैसा करोड़पति हो जाऊं और इन जैसा रूपवान हो जाऊं, इन जैसे इज्जत आबरू हो जाए और इन जैसा हो जाए। और इसलिए दिगंबर मुनिराज का जीवन बिल्कुल अपरिचित जीवन, कोई से परिचय नहीं, कोई से वार्ता नहीं, कोई से चर्चा नहीं, कोई की तरफ देखते नहीं। आपको आश्चर्य होए कि दिगंबर मुनिराज बॉम्बे में आए और चले जाएं और ऐसे भी दृष्टि नहीं देखी। अच्छा इतनी बड़ी बड़ी इमारत होती है, नाम ही सुना था वैसे, और ऐसी भी कार होती है। अच्छा ऐसी बच्चे बच्चियाँ घूमते रहती हैं, जो आने की फुर्सत ही नहीं देखने की। इतना अपरिचित जीवन, जंगल में चले गए, कोई करोड़पति सेठ है कि लखपति है कि हजारपति, इंद्र चक्रवर्ती आ गए तब बैठते हैं, तब चक्रवर्ती और इंद्र आके प्रणाम करते हैं। इतना उपयोग शांत हो गया क्या? कल्पना करो अपनी अपनी अपने फिर वही बात। अभी अब जितना टॉप लेवल की चर्चा चली निर्जराधिकार की है ना, आप हल्का नहीं समझना इसको। देखो क्यों अपने को होती ना भावना जूस जैसी, वो बच्चे जैसी, निरोगी बच्चे जैसी, ऐसा फ्लैट हमारा होता, ऐसा सोफा हमारा होता, टीवी काहे के लिए लाते हो? क्यों काहे के लिए लाते हैं टीवी? जल्दी बोल दो सत्य उत्तर। देखने के लिए, झूठी बात है, स्टेटस के लिए। देखने में देखना तो एक हजार रुपये का जो आता है ना वो काला ब्लैक वाइट, उसमें भी काम चल जाता है, लेकिन ऐसी शर्म सी आती है जैसे कोई मिथ्या दृष्टि हुआ है। ऐसी शर्म सी आती है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इतना थर्ड क्लास डब्बा पुराने जमाने का नहीं। अच्छी ईमानदारी नहीं कह रहे बोला तो सही बात है कि हम टीवी देखने के लिए टीवी नहीं देखते, हम मान कसाई को देखने के लिए पोसने के लिए टीवी रखते हैं। इसलिए मालूम क्या नुकसान होता है कि अब इतना कंपटीशन चल रहा है दिमाग में, जिनके पास पैसा है एक मिनट फुर्सत नहीं। ये तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, इसमें असंख्यात और जोड़ना, मैंने असंख्यात गुनी पीड़ा का वर्णन मैं एक दृष्टांत में कर रहा हूँ। जब भी एक स्टेटस मान लिया कि जिसके घर में 28 इंची होगा होम थिएटर उसकी बात है, अब वो खरीद लाए, अब दूसरे घर गए उनके 63 निकला, ऐसा लगता है जैसे हमारा सम्यक दर्शन चला गया। इतना दर्द होता है, अपन ने 28 इंच लिए हैं तो 63 है, हमें नहीं मालूम कितना आता 63-68 ऐसे। अब कहता किसी से नहीं, ये सब मन ही मन की गुप्त वासना है, कहता मैं तो किसी से नहीं है। उनके यहाँ भी ऐसे ही प्रसन्न रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और घर में आके भी पत्नी से कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मां से पूछते हैं ब्लैक व्हाइट का कलर कैसे आया, उस वासना के बल पर आया।
तुम दूसरे का जूस पीता हुआ देख रहे थे लेकिन वो दुखी था, तुम्हें पता ही नहीं था। वो दुखी का जूस देखा तुमने, तुमने अभी तुम भी वैसे जूस पीने के चक्कर में उतने ही दुखी हो गए। आज जो हम 99% दुखी हैं वो दूसरे का दुख का जूस देख करके दुखी हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दुख का जूस, दुखी अवस्था में जूस पी रहा है ना, वो देख के दुखी हैं। इतनी वासना पड़ी है, आज आज को 1 करोड़ रुपये पर मंथ की भी इनकम हो जाए तो आप चैन से नहीं बैठ सकते। क्यों? तब आपको लगता है अब स्टेटस बदल गया, अब होम थिएटर में स्क्रीन वाला चाहिए, पूरे फुल साइज का स्क्रीन। उसके लिए आप 10-25 लाख का, 10-15 लाख का आप एक बहुत बड़ा हॉल बनाएंगे, फिर एक कमरे में उसी टाइप की बैठने की व्यवस्था बनेगी, उसी तरह का म्यूजिक सिस्टम लगेगा, उसी तरह के पर्दे लगेंगे। क्यों? वो तो अकॉर्डिंग टू स्टेटस होगा वो तो सारा काम। मैंने एक एक कमरे की कीमत कितनी है, अनर्थ दंड। अब ऐसे जीव को भगवान सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान ही जाने। जो 24 घंटे कर्म की कामना कर रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं सभी कर्म फल की कामना नहीं करता, बधा लिखे हैं, बधा कर्मो न फल इच्छा तो न थी। और तुम 24 घंटा गया तो तुमने एक तरह रख दिया उसको, उसे अभी तुमने स्टेटस का सिंबल बना लिया। स्टेटस, 90% लोग स्टेटस के लिए सीढ़ी चला के छोड़ देते हैं। वैसे बैठ गए, वैसे बैठ गए, खा रहे हैं, लेटरिन में चले गए, सो गए। लगना चाहिए पंडित जी यदि यहाँ से निकले हाँ कोई मोक्ष नो घर से। सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होता भैया, द्रगुण पर्याय का निर्णय करो और भाकी आसक्ति छूटती। आसक्ति माने पहले दर्शन मोह संबंधी आसक्ति छूटती है, छूटती ही है। करोड़ कमाने वाला अरब कमाने के चक्कर में, बिल्कुल सबका हिसाब है। लेकिन कोई बात नहीं, बना रहे सभी पाक निजरा होए, लेकिन सभी पाक निजरा में फल कोई फायदा होता है? बोलो, होता है सभी पाक निजरा में कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। भेद विज्ञान पूर्वक यदि सभी पाक भी होगी तो उतना उतना लॉस कम होगा, और भेद विज्ञान नहीं होगा, पूरा जुड़ाएला हो जाएगा तो पूरा ही लॉस है। उपयोग पूरा जोड़ने वाला होगा तो लॉस पूरा का पूरा है। आगे समझ में आया? अरे रे, मुझे इतना लगता है मैंने निरर्थक कमाई होती, 99% कमाई निरर्थक, 99% मन वचन काय की प्रवृत्ति निरर्थक। ऐसा नहीं कि 5 इंद्रिय के विषय सेवन में भी सार्थक हो रही हो, खाने में पीने में हो जाती तो भी ठीक था, खाना पीना घटता जाता है। डॉक्टर ने 2 रोटी बोल दी बस, घी शक्कर बंद। और सच्ची बात होता है, कैदी की तरह जीवन जीता, कैदी की तरह। कैसे कैदी? चार दो से जेल बंद, हवा नहीं आ जाए बाहर की, बंद, एक एसी लगा लिया। इतनी शरीर में कमजोरी आ गई कि अब वो मशीनें मंगवा ली, अब व्यायाम कराने वाली मशीनें। आप लेटे रहो वो पैर उचकाता रहेगा ऐसे ऐसे। अच्छा तू पराधीन कैदी हुआ कि क्या हुआ, क्यों गुलाम हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे मशीन चलाए सो तू चल, हैं 24 घंटा कभी ECG का टेस्ट ले, कभी इसका टेस्ट ले, कभी इसका टेस्ट ले, कभी इसका करे, कभी इसका करे, कैदी जैसा जीवन नहीं हो गया। माने जो मशीन कहे तो खा, मशीन कहे तो नहीं। माने इसको रोटी खाने के लिए पूछना पड़ता है खाऊं कि नहीं खाऊं। मैंने देखा है वो डायबिटीज वाले को, तो पहले 2 इंजेक्शन ठोकेगा फिर खाएगा। कितना गुलाम हुआ बोलो? अरे तू परिपूर्ण स्वतंत्र प्रभु था और भोगों के चक्कर में इतना बड़ा गुलाम हो गया। आगे समझ में आया? दिगंबर महाराज का अभी क्या सुंदर चिंतन है, हाँ देखते तक नहीं है। क्यों नहीं देखते हैं? इनके चक्कर में यदि हमने चकमक चमक के चक्कर में बीमारी का, इस चमक रूपी जूस को पाने के लिए बीमारी की कामना नहीं कर बैठे हैं, अन्य 8 कर्म की कामना नहीं कर बैठे हैं, और जी फंस जाता है, बहुत आराम से फंसता है। समझ में आया? मैं दृष्टांत देकर छुट्टी कर रहा हूँ, टाइम तो हो गया। एक ब्रह्मचारी हुए, अब देखो ब्रह्मचारी का दृष्टांत दे रहा हूँ। अब उसको ब्रह्मचारी का मतलब शादी तो करना नहीं उसको, लेकिन शादी शुदा बहुत सुंदर जोड़ा आया सामने, समझ गए? और जिस तरह से आएंगे समझ लो, शादी होके आए होंगे तो बताओ उसी तरह से आएंगे, उठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। अब इसको ऐसा लगता है, देखो अपने से कोई हंस के ही नहीं बोलता, कितने सुखी हैं, देखो रोज मंदिर आते हैं। धर्म होता है, अपन बेकार में ही हैं, ऐसा नहीं, अच्छे भी होते हैं लोग, देखो कितने अच्छे पति पत्नी मंदिर आते हैं, देखो धर्म कर रहे हैं। ऐसी भावना आना अब्रह्म है,
वे कितने दुखी हैं तुझे पता नहीं है, वे ऊपर से हंसते मुस्कुराते तुझे डेकोरेशन में दिख रहे हैं, मेकअप में, डेकोरेशन माने मेकअप में दिख रहे हैं, इसलिए तुझे लग रहा है कि क्या मजे कर रहे हैं। उनके मानसिक तनाव तुझे खबर है, कुछ कर्म बंध तुझे खबर है, मैंने सेवता नहीं सेवता नहीं सेवता सेवक बने, दृष्टांत दे रहा हूं, दूसरे का जूस, बीमारी का जूस, ऐसे दूसरों के दुखों में दाम्पत्य जीवन, विषय भोग, सामग्री, पैसा, छोकरा छोकरी, इन्हें देख करके ज्ञानी 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 वो निर्जरा को प्राप्त हो जाती है, वे फंसते नहीं हैं, और अज्ञानी दूर से ही कामना किया करता है, इस तरह फंसता चला जाता है। क्या में फंसता जाता है? भाव आश्रव, भाव बंद, और उधर फिर द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंद, और इसका फल अनंत काल है। बहुत सरल एग्जाम्पल दे दे कि आपको बहुत बताया, निकांचित रहो।